भागलपुर की पुलिस जिला नौगछिया के नौगछिया और खरीक प्रखंड में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पंचायत चुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई। पंचायत चुनाव के मतदान को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया और सुबह से ही मतदान केंद्र पर वोटरों की लंबी कतारें देखी गई। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराए जाने को लेकर नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज सुबह से ही अति संवेदनशील और संवेदनशील मतदान केंद्रों का जायजा लेकर सुरक्षा के इंतजाम की मॉनिटरिंग कर रहे थे। साथ ही बूथों पर मोबाइल नहीं ले जाने की हिदायत पोलिंग एजेंट और मतदाताओं को दे रहे थे। पुलिस अधीक्षक सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान कार्य संपन्न हुआ और कहीं से किसी प्रकार की शिकायतें मिलने पर उसको तुरंत दूर किया गया। वहीं मतदाता विकास के नाम पर मतदान करने की बात कर रहे थे। विकास को लेकर जो आगे विकास करेगा, नया परिवर्तन चाहते हैं हम लोग। विकास के मुद्दे पे वोट करना है, गांव का विकास, पंचायत का विकास हो, इसलिए हम लोग मतदान करने सुबह सुबह आए हैं। पंचायत चुनाव के मतदान के दौरान नौगछिया के उच्च मध्य विद्यालय तिथरी में मतदान केंद्र संख्या 85 पर सुबह से ईवीएम खराब होने के कारण मतदान का कार्य बाधित रहा। काफी संख्या में मतदाता लाइन में खड़े रहे। वहीं मतदान कर्मी ईवीएम को ठीक करने के प्रयास में जुटे रहे, लेकिन ईवीएम ठीक नहीं होने के कारण 2 घंटे तक मतदान कार्य बाधित रहा और मतदाता काफी परेशान दिखे। कड़ी मशक्कत के बाद टेक्निकल टीम ने गड़बड़ी को दूर कर मतदान शुरू करवाया। नाथनगर थाना क्षेत्र के नरगा चौक के समीप पुलिस ने बीते मंगलवार देर शाम 3 युवकों को लोडेड देसी कट्टा के साथ धर दबोचा। जानकारी के अनुसार तीनों युवक नरगा चौक के समीप स्थित मेडिकल दुकान में प्रतिबंधित दवाई लेने आए थे। तभी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि उक्त युवकों के पास देसी लोडेड कट्टा है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस उस मेडिकल दुकान के पास पहुंची। पुलिस को देखकर तीनों युवक भागने का प्रयास करने लगे, जिसके बाद पुलिस बलों की मदद से उन तीनों को पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान उन लोगों के पास एक देसी कट्टा, एक जिंदा गोली बरामद किया गया। गिरफ्तार युवकों में नाथनगर थाना क्षेत्र के मस्कन बरारी निवासी दुर्गा प्रसाद ताती का पुत्र मोहन कुमार, खटीक टोला निवासी राजेंद्र मालाकार का पुत्र मनीष कुमार और मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के करेला गांव निवासी दिनेश यादव का पुत्र अमर कुमार शामिल है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि तीनों किसी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में था। मामले पर नाथनगर थाना अध्यक्ष मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने बताया कि तीनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। दीपावली को लेकर लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं, चाहे वो दीपावली को लेकर मिट्टी का दीपक हो या फिर लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा। पूरा बाजार इन चीजों से पटा हुआ है और शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग पहुंचकर इसकी खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदार अभिनव आनंद ने बताया कि पिछली बार कोरोना के चलते हम लोग परेशान थे, कुछ भी बिक्री नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार बिक्री अच्छी है और हमारे पास 101 रुपया से 3101 रुपये तक की मिट्टी की मूर्ति है। हम लोग इस बार अच्छा बिजनेस करेंगे, पूरी उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर चाइनीज आइटम भी लोग बढ़ चढ़कर खरीदते दिखे। भागलपुर में पटाखों के थोक व खुदरा विक्रेता पटाखे बेचने को लेकर लाइसेंस के लिए लगातार सदर अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय का चक्कर काट रहे थे। अंततः जिलाधिकारी के निर्देश के बाद दर्जनों पटाखा विक्रेताओं ने लाइसेंस के लिए एसडीओ कार्यालय पहुंचकर आवेदन दिया। पटाखे के पुराने लाइसेंसधारियों को शपथ पत्र भरकर आवेदन के साथ जमा करने की बात कही गई। साथ ही जो नए हैं उनके लिए काफी कागजी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। पटाखा विक्रेता गौरव ने बताया कि अस्थायी लाइसेंस के लिए आश्वासन मिल गया है। 4 दिनों से परेशान थे, कल दिवाली है, आज कागजी प्रक्रिया पूरा करने में समय कम है, लेकिन साथ में मिलजुल कर जल्दी करने का प्रयास करेंगे। एसडीओ ऑफिस आए हुए थे, वो अस्थायी पटाखा लाइसेंस के लिए। मिला लाइसेंस क्या? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन आश्वासन मिल गया है। क्या आप बोले एसडीओ? हो जाएगा, आज भर का प्रोसेस है, कुछ प्रोसेस है। लोग 4 दिन से दौड़ रहे हैं। 4 दिन से हम लोग परेशान हैं, डीएम ऑफिस भी गए, वहाँ से भी कुछ नहीं हो पाया। तब कल जा कर के मनीष सर जो हैं डिप्टी कलेक्टर हैं, वो हेल्प किए, वो थोड़ा काम करवा करके दिए, आदेश वहां से आया, तब यहां पे आप प्रक्रिया कुछ आगे बढ़ रहा है। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी धनंजय कुमार ने बताया कि अस्थायी लाइसेंस निर्गत कराने के लिए डीएम के स्तर से जो दिशा निर्देश मिले हैं उसके अनुरूप काम होगा। भागलपुर में ग्रीन पटाखे के ही बेचने के आदेश हैं। जिस पटाखे की आवाज 125 डेसिबल से कम हो वैसे पटाखों की बिक्री होगी। नियम का पालन नहीं करने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अस्थायी लाइसेंस निर्गत होता है उसके लिए जो डीएम सर के स्तर से जो लेटर में जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उसी के अनुरूप लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। जो भी लाइसेंस के आवेदक होते हैं जो सब उन नियमों का पालन कर पाएंगे उस सशर्त आदेश दिया जाएगा, उनको एक शपथ पत्र इस आशय का उनसे लिया जाएगा। क्योंकि आप लोग को भी जानकारी होगी कि सिर्फ हरित
पटाखे ही अलाउड हैं इस बार भागलपुर में। इसके अलावा भी लाइसेंस के लिए अन्य भी कंडीशंस होते हैं कि वो घनी आबादी क्षेत्र में ना हो, और भी कुछ कंडीशंस होते हैं कि जो उनका जो क्लस्टर होता है उसमें कितनी संख्या हो सकती है। इसके अलावा कुछ विशेष स्थान होते हैं जहाँ पे उनका नहीं होना होता है, तो इन सब सारे कंडीशंस को लेके ऐसे पटाखों का वो मतलब सेल करेंगे जिसकी आवाज़ 125 डेसिबल से कम हो। और साथ ही साथ एनजीटी का और भी इस पर डिटेल्ड गाइडलाइन है, उसको ध्यान में रखते हुए सशर्त हम लोग आदेश पारित करेंगे और सशर्त हम लोग लाइसेंस निर्गत करेंगे और इसका सख्ती रूप से कार्रवाई भी होगी। भागलपुर में दीपावली, काली पूजा और छठ को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक नितासा गुड़िया के नेतृत्व में पुलिस लाइन से फ्लैग मार्च निकाला गया, जो शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए पुलिस लाइन में आकर समाप्त हुआ। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि काली पूजा को लेकर सभी संवेदनशील चौक चौराहों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं पुलिस पेट्रोलिंग की भी व्यवस्था की गई है, जिससे कहीं भी कुछ भी परेशानी होने पर जल्द ही पुलिस टीम वहां पहुंचकर कार्रवाई कर सके। उन्होंने कहा कि काली पूजा को लेकर SSB, BMP, जिला पुलिस और होमगार्ड के जवानों को ड्यूटी में लगा दिया गया है। वहीं उन्होंने आम लोगों से अपील किया कि काली पूजा सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाए, किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर पुलिस को सूचित करें। फ्लैग मार्च के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ जिले की CTSP, SSP सहित भारी संख्या में पुलिस बल फ्लैग मार्च में हिस्सा लिए। भागलपुर के सभी वासियों को दिवाली की, काली पूजा एवं छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस अवसर पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से आज हम लोग जो हैं भागलपुर पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है, ताकि ज़िले में सांप्रदायिक सौहार्द की भावना जो है वो पूर्ण रहे। दिवाली को लेकर के, छठ पूजा को लेकर के एवं काली पूजा को लेकर के सभी संवेदनशील स्थल पे मैजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही साथ लगातार स्पेशल गश्ती की व्यवस्था भी की गई है, ताकि किसी प्रकार की विधि व्यवस्था एवं आपराधिक घटनाएँ ना घटित हो पाए। मैम, काली पूजा यहाँ का बहुत बड़ा होता है और 2-3 दिन लगता है विसर्जन में, विसर्जन जुलूस भी बहुत बड़ा होता है, उस जगह उस दौरान कितने पुलिस फोर्स रहेंगे पूरे एरिया में? काली पूजा की व्यवस्था को लेकर के सभी मानकों पे पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ हमारी SSB, BMP, जिला पुलिस एवं होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति की गई है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि बहुत ही अच्छे माहौल में और बहुत ही हर्षोल्लास से काली पूजा का कार्यक्रम भी यहाँ पे किया जाएगा। लोगों से क्या अपील है? लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि कोविड अभी गया नहीं है, इसलिए कोविड के जितने भी मानक हैं, जैसे मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, ये अवश्य करें, और जो त्यौहार है उसमें कम से कम पटाखों का इस्तेमाल करें, ताकि हमारा वातावरण भी स्वच्छ रहे। बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। दोनों सीट पर जदयू के उम्मीदवारों की जीत हुई है। मामले को लेकर गोपालपुर के जदयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि प्रचार के लिए लालू प्रसाद को नहीं आना चाहिए था। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का बच्चा वाला दिमाग है, उसका बच्चा वाला ही सोच है। वहीं तेज प्रताप को लेकर भी उन्होंने कहा कि वो कोई नेता नहीं है, वो सिंदूर टिकुली करने वाला है, वो कृष्ण भगवान है, उसका कोई आधार भी नहीं है। मुकेश सहनी को लेकर गोपाल मंडल ने कहा कि उनके पास कैंडिडेट कहाँ था, बीजेपी के दिया हुआ कैंडिडेट उसके पास था। मांझी के पास भी बीजेपी का दिया हुआ कैंडिडेट था। कांग्रेस को लेकर गोपाल मंडल ने कहा कि वो जदयू के साथ आ जाएगी। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जदयू संगठन है जो लोगों को अपनी ओर जोड़ रहा है, वहीं भाजपा अलग पार्टी है। मेरी कोई जिम्मेदार नहीं है। देखिए, ऐसा है, जब कांग्रेस को लास्ट आवर में दोनों चुनाव लड़ना पड़ा, पहले हम लोग महागठबंधन में थे, राजद ने दोनों सीट पे उम्मीदवार घोषणा कर दी, तो कांग्रेस को मजबूरी हम लोग को दोनों सीटों पे उम्मीदवार उतारना पड़ा। लेकिन मैं तो मानता हूँ कि अच्छा है, हार जीत तो चुनाव में होता रहता है, लेकिन एक बात यह है कि उम्मीद से कम वोट आया है, जनता ने निर्णय लिया है, और जैसे कि कुछ स्थान में आप देख रहे हैं जदयू जीत दर्ज की है, तो अगर निश्चित तौर पर राजद और कांग्रेस मिलकर अगर चुनाव लड़ते तो निश्चित तौर पर जदयू की हार होती है। ये निर्णय तो आला कमान हमारे आदरणीय सोनिया गांधी जी लेंगी और राहुल गांधी जी, लेकिन मेरा मानना है जो हम चुनाव प्रचार में जो हम घूमे हैं, चाहे वो कुछ स्थान हो, चाहे वो तारापुर हो, वहाँ की जनता की जो आवाज़ थी
बहुत खुश थे कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है। नाथनगर के भैबलपुर स्थित प्राचीन श्री श्री 108 महाकाली मंदिर का इतिहास करीब 300 वर्ष पुराना है। यहाँ महा महाकाली की 32 फीट से ऊंची प्रतिमा बनकर भव्य पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर के मेड़पति अजय सिंह ने बताया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की निशा रात्रि को यहां वैदिक मंत्रोच्चार से पूजा अर्चना होती है। इस बार 4 नवंबर को प्रतिमा स्थापित कर 7 नवंबर को बायपास के रास्ते होते हुए चंपानदी में विसर्जित होगी। बीते करीब एक महीने पूर्व से ही प्रतिमा निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है। यहाँ करीब 500 से ज्यादा पाठा बलि भी दिया जाता है। मंदिर व मेले की निगरानी के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ सच्चे मन से मांगी मुरादें मां पूरी करती हैं। निर्माता संजीत कुमार संगम के द्वारा मैट्रिक्स एकेडमी ऑफ आर्ट्स पटना के बैनर तले माटी नामक शॉर्ट फिल्म बनाई जा रही है। फिल्म की शूटिंग कल्याण टोला बरियारपुर पंचायत के रहिया गांव में किया गया। गांव में चल रहे शूटिंग के दौरान ग्रामीणों में खासा उत्साह देखा गया। ग्रामीणों ने बताया कि फिल्म की शूटिंग से काफी कुछ सीखने को मिला है। फिल्म के डायरेक्टर सानू धनराज ने बताया कि फिल्म में ग्रामीण परिवेश को बखूबी दर्शाया गया है। आज के वर्तमान दौर की नई टेक्नोलॉजी गांव तक नहीं पहुंच पा रही है। आज के वर्तमान दौर में शिक्षा का जो स्तर है वो गांव के बच्चों तक नहीं पहुँच पा रही है। फिल्म में मुख्य किरदार वेदांत कुमार सुगम, सब्बी कुमार अर्पित रंगकर्मी और संजीत कुमार संगम के साथ वरिष्ठ रंगकर्मी शत्रु आर व संजय कुमार के द्वारा निभाया गया है। फिल्म में रहिया गांव के भी कुछ कलाकारों ने अहम भूमिका निभाई है। डायरेक्टर सानू धनराज ने यह भी बताया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी संस्कृति गांव और किसानों से जुड़ी हुई है। हमें इस सभ्यता का पालन करना चाहिए। यह फिल्म जो दर्शाती है गांव को दर्शाती है और इसमें जो है जो कि नई टेक्नोलॉजी है जो गांव तक नहीं पहुंची अभी तक, इस फिल्म में वो चीज दिखाया गया है। अभी जो शिक्षा का स्तर है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे हो गई है और वो गांव में नहीं पहुंच पाई है। वहाँ के बच्चे जो कि अनजान है ये सारे शिक्षा पद्धति से और जो वैज्ञानिक तकनीकीकरण से जो गांव में कृषि की जा रही है इससे अवगत है वो लोग। तो मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म से मैं वो दर्शकों में दिखा सकूँ, दर्शकों को इस चीज़ से कनेक्ट कर सकूँ ताकि गाँव को एक अच्छे लेवल पे कृषि को बढ़ाया जाए, जिस क्षेत्र में बिजली पानी सब चीज़ रहने के बावजूद शिक्षा का वो स्तर नहीं दिखाया जा रहा है। यह फिल्म में जो लीड एक्टर है वेदांत कुमार सुगम वो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं और संजीत कुमार संगम भी मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। ये हम सभी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं ग्रामीणों का, तमाम ग्रामीण वासियों का मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं आप लोगों से खास विनती करना चाहता हूं कि आप लोग इस फिल्म को जरूर देखें। इस फिल्म का नाम है माटी और यह फिल्म बहुत ही अच्छी बनी है।